और जहां पर मेरा आ गया ये निकालो इसको बाहर। एक सेकेंड पागल साना इधर आओ इधर आओ इधर आओ कटी साई आएगा मीठा चावल खाएगा मेरे साथ खड़े हो एक सेकेंड। ताया जी ओ जा पुत्र मेरे मेहमान आए हुए हैं तुम लोगों को चैन नहीं है। ताया जी हाँ जी आपके वाल साहब मुगल बादशाह के साथ होते थे। नहीं पुत्र ते मुंह तो आड़ा क्यों किले दे परनाले अरगा ताजी मैं डर गया मैं क्या खबरें ये ना कह देवे कि तुम्हारा क्यों मुंह बरछी वर्गा ताजी क्या है आपके वालद साहब बाल कटिंग का काम करते थे। नहीं पुत्र ते मुंह तो आड़ा क्यों दंदे आली कैंची अरगा मेरे साथ खड़े हो हाँ जी ओके हाँ एक इंसान के साथ खड़े होके तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। शरारती ए मैं जदों इंसान कोल खलोवांगा उदों दसांगा। मम्मी सो रूड है जी क्या लीला खलोता है ओए तो नलका लगा। वन मोर क्वेश्चन एक सवाल करूं। इट्स नॉट लाइक आई वांट टू आंसर यू बट व्हाटएवर आप साई गड्डी के साथ यानी मेरे साथ सैर करने के लिए जाएंगे। यू मस्ट बी जोकिंग है यू मस्ट बी जोकिंग नेवर नहीं कभी नहीं। मैंने क्या सवाल किया क्या आप मेरे साथ सैर करने जाएंगे। शट अप यू शट अप साई एडा ही बेला तेरे ना फिरी जाए। मुझे एक बात बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं तुम क्यों मेरे सर खाते रहते हो हर वक्त। गर्लफ्रेंड मैं तो ताया जी कभी कुड़ी नू मुंह ही नहीं लाया। क्यों आ कल ना एक कुड़ी सड़क दे उतो लंगी मैं उन्हें कहा हेलो लभी ताया यकीन करी वो सड़क टप के मेरे कोल आई है। अच्छा मेरे सामने खलो के मेरे मुंह ते उन्हें आधा घंटा मेनू गाला कढ़ी है। यू प्रोबब्ली डिजर्व इट गाला कढ़ के वो आपे ही गई मैं नहीं मुंह लाया मैं जा जा जा, जा, जा। Assalamualaikum sir. Assalamualaikum. Acha idhar aa. One more or question. Oh, what is it? Wo kaun si aisi cheez hai jise fridge mein rakho tab bhi garam rehti hai? I don't want to answer your brain teaser, but let me think. Pata nahi yaar. Oh, garam masala. Kya kya hai ise? Apne lo padhi likhi bani hai. ओए साईं देखो तुम अमेरिका से आई हो ना तुम्हें कख भी नहीं पता और ये साईं है लेकिन साईं भी बताएगा कि ये दो शख्सियत कौन है। इधर आओ ए साईं इधर आओ ए इधर बैठो मेरे वाली कुर्सी पे। अच्छा ताजी हाँ बताओ ये शख्सियत कौन है। पाकिस्तान की पहचान सिंगर है ये। क्यों यहाँ का पुत्र साईं साईं जानता है और वो उधर जो लाल शर्ट वाले फायर ब्रिगेड के अफसर बैठे हैं कौन है ये। ये हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं और वो जो यूनाइटेड स्टेट की प्राइम मिनिस्टर की बेटी बैठी है कौन है। ये मेरी जोजा माजदा है। तेरी शक्ल पे हो दफा हो जा। नहीं नहीं ओ मेरी ती है सैरश ऐसे घर नहीं बसते। आज मैं इसको ठीक करूंगी। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तुम समझते क्या हो अपने आप को। तुम हो कौन तुम आए कहां से हो तुम मुझे हर वक्त ये क्यों कहते हो। तुम खुली आंखों से ख्वाब देखते हो। तुम हो कौन मुझे आज क्लियर करके जाओ। ना मेरी तुमसे शादी हुई है ना मेरे तुमसे बच्चे हैं। ठीक है समझ आ रही है कि नहीं आ रही। समझ लो अच्छी तरह से। आइंदा ये किया ना तो फिर देखना मैं तुम्हारा खशर क्या करूंगी। समझ आई। यो जी अपने खामन नु कहंदी जान मैं तन्नू कुछ करके भावा। ओ कहंदा कार कहंदी आ रखी। अब ना उसको मुंह लगाना। आप ये कुंडी ठीक करें। ताया जी मैं जा रही हूं अंदर। ओके कहां जा रही है पुत्र। ताया जी जाके आराम कर। जी ओके जा बाय। ओ गाल सुन जी अमेरिकी कुत्ते काट। नहीं ताया जी नेवर नो। आजकल कुड़ियों ने पता नहीं की शौक चढ़िया। नय्यर साहब के गानों पे वही मुराद साहब ने भी एक्ट किया
नदीम साहब ने भी एक्ट किया, मोहम्मद अली साहब ने भी एक्ट किया। नैयर भाई जो गाना गाएंगे अब, मैं आपको तीनों आर्टिस्टों की कॉपी करके दूंगा। लेजेंड्स, आई एम लिविंग लेजेंड्स ऑफ आवर कंट्री। सर आपसे एक सवाल है मेरा, आपके जैसे जो पेट्रियाटिक लोग हैं, आई थिंक आप ही लोगों के दम पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो इतनी फ्लरिश कर गई है और यहाँ तक पहुँच गई है। नहीं तो हर कोई एक फेटिश है उनको बॉलीवुड में भागने का, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप यकीन कीजिए कि मैं ये बड़े फख्र से कह रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तकरीबन दुनिया घूमा हूँ। मैं ना मुझे शौक है और ना मैं गया हूँ और ना मैं जाना चाहता हूँ इंडिया। मैं खुश हूँ। सेम लाइक मी। मेरा देश, ये मेरा वतन, ये मेरा प्यारा वतन, परवरदिगार इसकी एक एक गली, एक एक कोने, एक एक बंदे को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, मेरे लिए ये बड़ी दौलत है। आपका क्या ख्याल है सर, ये जो ये इस तरफ हमारा मीडिया जा रहा है और आइटम नंबर्स आ रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, आर यू इन सपोर्ट ऑफ इट? हम नहीं कहते कि ना हो, लेकिन पोएट्री होनी चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए, प्रॉपर यानी सिंगर होना चाहिए और कुछ हमारे समझ में आना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। जो नैयर भाई ने कहा ये अपनी जगह मुस्तनद बात है, मगर थोड़ा सा मैं इसमें आपकी इजाज़त से मैं इसमें मेंशन ये करना चाहूँगा कि वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जिन्हें जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करें या उनके साथ शामिल ना हो, उसके बगैर सरवाइव करना ज़रा प्रॉब्लम होता है। अब मैं क्या बातें करूं फिर आप कहेंगे कि इस किस्म की बातें शुरू हो रही हैं। ओए आप उतनी क्या हाल है, देख मेजबान कितने बड़े आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्चिया जी यूनाइटेड स्टेट्स से पढ़ी है जी। जी आई एम फ्रॉम अमेरिका। डू माइंड इफ वी टेक अ सेल्फी टुगेदर? आओ लो। ये दा 24 घंटे यही काम है। ओए खादम ओए, खादम पुत्र ओए, क्यों बुला रहे हो उसे? वो पुत्र उनके लिए पानी और मंगाओ। दुलकर नैन साहब पानी साथ साथ पीते हैं पुत्र, मुझे उनका पता है। सारा तुम क्या कर रही थी? तुम क्या कर रही थी अंदर? वो मैं अंदर सेल्फी बना रही थी। ओह माय गॉड, अंदर भी सेल्फी बाहर भी सेल्फी, वो 24 घंटे तुम्हारा काम सेल्फियां ही है। व्हाट टू डू, इट्स एन एडिक्शन, इट्स अ ऑब्सेशन। ओए तुम नौजवान नस्ल को कौन बताएगा? ओए हीरे बैठे हैं, हीरे सज्जे खब्बे। जुलकर नैन हैदर साहब हैं जी, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर। माशाल्लाह, वी जस्ट मेट, तभी तो मैंने सेल्फी ली इनके साथ। आई नो हाउ टैलेंटेड ही इज। ये नैयर साहब का पता है? हाँ जी। पुत्र ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं कि एक दफा यहाँ से बंदा चले, पहला गाना लगाए कराची तक गाड़ी चलाता हुआ चला जाए, इनके गाने लगे हों तो थकावट नहीं होती पुत्र।